जेनरिक दवा के ऊपर बहुत जबरदस्त जानकारी लेकर आया हूं दोस्तों। देख सकते हैं इंटॉस कंपनी की यह दवा है, 227 रुपए एमआरपी है, जो है जेनरिक दवा है। इसी साइड कंपोजन अगर आप ब्रांडेड लेते हैं मैक्लियास की, आपको 55 रुपए में मिल जाएगी। यहीं पे एंटीबायोटिक है देख सकते हैं फ्लोमोक्स, ग्लेनमार्क कंपनी के 204 रुपए एमआरपी है दोस्तों। और यहीं पे देख सकते हैं एक और ब्रांड है सिप्ला पेंटोसेक एलएस दोस्तों, यह भी एक जेनरिक दवा है। इसके एमआरपी की बात करें तो इसकी एमआरपी जो है 223 रुपए है दोस्तों, बहुत हाई है एमआरपी है। इसलिए कहता हूं कि जेनरिक दवा के बारे में आप जानिए, अगर आपको जेनरिक दवा की जानकारी होगी तो यही दवाइयां आप जो है ज्यादा से ज्यादा 40-50-55-60 रुपए में आप खरीद सकते हैं, नहीं तो आप 200-250-250 रुपए पेमेंट करके आएंगे दोस्तों। कई कई तो ऐसी जेनरिक दवाइयां जिसकी एमआरपी 400-500 रुपए तक है, लेकिन उसी साल का मौसम जब आप ब्रांडेड खरीदने जाएंगे तो जो 400 एमआरपी वाली जेनरिक दवा है वो आपको ज्यादा से ज्यादा 150-200 रुपए में मिल जाएंगी दोस्तों। आप दोस्तों देखिए, बहुत लोगों को मैं वीडियो बनाता हूँ जेनरिक दवा के ऊपर, और बहुत लोगों को मैं देखता हूँ कमेंट करते हैं, बताते हैं कि जो है आप जेनरिक दवा को बताइए कैसे पहचाना जाए। देखिए कुछ आपको भी अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, आप सोचते हैं कि यहाँ पे जो है कुछ ऐसा जो है सिस्टम आ जाए मैं बता दूं उससे आप जो जेनरिक दवा पहचान सकते हैं। इसके बॉक्स है, इसके रैपर पे कहीं नहीं लिखा गया है जेनरिक दवा, ना कोई ऐसा निशान है, मार्क है, कुछ भी नहीं है दोस्तों। एक कंपनियों का अपना कंपटीशन का मार्केट है, बकिया फायदा किसी को नहीं हो रहा है दोस्तों। जेनरिक दवा को धड़ल्ले से एमआरपी पर बेचा जाता है, ना कोई सरकार सूंध ले रही है, ना कोई व्यक्ति जो है जागरूक इंसान, ना कोई डॉक्टर, ना कोई मेडिकल स्टोर वाला। ये जो कुछ बिचौलिए पड़े हुए हैं दोस्तों, जैसे मेडिकल स्टोर वाले या नर्सिंग होम वाले या फिर जो बाजारों में शहरों के कस्बों में छोटे छोटे डॉक्टर जो जनरल प्रैक्टिस करते हैं, जो फीस नहीं लेते हैं आपसे, वो जेनरिक दवा को एमआरपी पर बेच देते हैं आप लोगों को पता भी नहीं चलता है। यही कंपनियां जो जेनरिक दवाइयां बनाती हैं, यही कंपनियां ब्रांडेड दवाइयां भी बनाती हैं दोस्तों। लेकिन आप जब जेनरिक और ब्रांडेड में इसी दवाइयों को जब तुलना करेंगे इसी साल्ट कंपोजिशन में, तो जो ब्रांडेड की एमआरपी होगी इनसे कम होगी, लेकिन यही जो ब्रांडेड कंपनियां जो जेनरिक भी बनाती हैं इनकी एमआरपी जो है ज्यादा कर देते हैं। और इन्हीं जेनरिक दवाइयों को जब आप जाके जेनरिक शॉप पे खरीदेंगे तो आपको जो है 50-60-70-80-90% का डिस्काउंट मिल जाता है दोस्तों। लेकिन किसी भी मेडिकल स्टोर नर्सिंग होम के पास जाएंगे तो यही दवाइयां आपको आन एमआरपी पे बेच देंगे। देखिए इसको बेचना भी गलत नहीं है, इसको खाना भी गलत नहीं है, गलत तब होता जब कोई आपको जेनरिक दवा देता हो एमआरपी पे पैसा ले लेता है, यही चीज सही नहीं है दोस्तों। रिस्पॉन्स की बात करें तो जेनरिक और ब्रांडेड के रिस्पॉन्स में कोई कमी नहीं है, जो आपको ब्रांडेड में रिस्पॉन्स मिलेगा वही आपको जेनरिक दवा में रिस्पॉन्स मिलेगा। जेनरिक दवाइयों को क्यों लाया गया ये भी जान लीजिए आज दोस्तों। दवा 3 कैटेगरी में आती है, एक ब्रांडेड होती है, मोनोपोली होती है, जेनरिक होती है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं ब्रांडेड और मोनोपोली में दोस्तों, इनका अपना एक कंपटीशन का मार्केट है। जब ब्रांडेड कंपनियों को ये लगा, बड़ी कंपनियों को, कि मोनोपोली कंपनियां अपना जो है मार्केट में पैर पसार रही हैं, तीनों ने क्या किया कि अपना जेनरिक दवा ला दिया मार्केट में यही कंपनियां। और दोस्तों क्या हुआ इसमें कि जिससे जो है एक ये दवाइयां जो है डायरेक्ट जो है डिस्ट्रीब्यूटर से जो है सीधा या तो फिर मेडिकल स्टोर वाले खरीद लेते हैं या फिर जनरल प्रैक्टिशनर डॉक्टर खरीद लेते हैं, और इससे जो है क्या हुआ कि मोनोपोली कंपनियों पे असर पड़ने लगा। ये तो अपना कंपटीशन का मार्केट है और परेशान इस देश की जनता हो रही है। इस वीडियो को शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक।